हमेशा एक्टिविटी को महत्व देते थे, समाज में आगे बढ़े, नाम करें और बच्चों का स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान लगाए ताकि हमारे इंडिया की टीम को एक नया हुनर मिले। सर आज कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में? सुबह से क्रिकेट चालू है यहाँ पे। आज लगभग 36 to 38 टीम ने पार्टिसिपेट किया है, 46 टीम ने पार्टिसिपेट किया है और ये टीम ने बहुत अच्छा खेला। जो हारे वो भी जीत के काबिल थे और उन्होंने हारने के बाद भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ। और मैं भी आके मैंने भी बहुत अच्छी तरह देखा कि यहाँ बहुत टफ बच्चे हैं जिनके हाथ में बहुत हुनर है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर जो आपका ट्रस्ट है उसके बारे में बताइए, किस तरह का आपका सफ़र रहा और किस तरह से आपने स्टार्ट किया? इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब मेरे साथ कई लोग थे। अब धीरे धीरे वो लोग कम होने लगे और बोलते हैं कि सफ़र है, आएंगे लोग, कोई बात नहीं।
इसमें लोगों को भला करना कम और कमाने का सूत्र ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने इस पे मोहर लगाया और कहा कि ये लोगों के भला के लिए चैरिटी करने के लिए बनाया गया है, लोगों का भला करेंगे, इसमें बच्चों को एक हुनर ढूंढेंगे, गरीबों की शादी कराना, मेडिक्लेम कराना, बच्चों को पढ़ाना, ये स्पोर्ट्स पे ध्यान देना, कोई अनाथ बच्चा हो गया उसकी सेवा करना, कोई बुढ़ी बुढ़े औरत, ये सब काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो सर क्या गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट आता है, कुछ हेल्प कुछ भी नहीं? मैंने ज़रूरत नहीं पड़ा, मेरी टीम इतनी बड़ी है कि मुझे हमेशा मेरे अपनों से सहारा मिला है, हमारे टीम के साथ सहारा मिला है। जो मलाड मालवानी क्षेत्र में मेरा ऑफिस है वहाँ से वहाँ के लोगों का मुझे सहारा मिला, यहाँ अंधेरी के लोगों का मुझे सहारा मिला। तो ये संस्था को आगे बढ़ाने के लिए मेरे अपने फैमिली और मेरे बाहर के फ्रेंड्स सपोर्टर्स हैं, और सरकार ने कभी हमारे संस्था पे ध्यान नहीं दिया, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ को लेके, हम भी कभी जाते नहीं है सरकार के पास कि हमें ये मदद कीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि उनको तकलीफ़ देने से अच्छा हम ये तकलीफ़ को सॉल्व करें। जो जनता क्रिकेट टूर्नामेंट है सर, उसको आने वाले फ्यूचर में कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या स्टेट लेवल नेशनल लेवल का कुछ प्लान है? ये जनता क्रिकेट टूर्नामेंट आने वाले दिन में या अगले साल या उसके अगले साल तक, मेरा मानना है कि मैं इसको इतने हाई लेवल पे लेके चला जाऊँगा कि इसका प्राइसिंग लेवल ही इतना बिग होगा कि अच्छे अच्छे इलाके से, बोलते ना स्लम एरिया से लोग आएंगे खेलने के लिए, जो लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, वो वैसे तरीके के टीम आएंगे और उन हर टीमों से एक अच्छा प्लेयर को सिलेक्ट करके एक बेहतरीन टीम इंडिया के लिए बनाया जाएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में हमारे यहाँ के बच्चे जो मैं जनता क्रिकेट टूर्नामेंट से सिलेक्ट करूँगा वो बच्चों को सिलेक्ट किया जाए स्पोर्ट्स क्लब द्वारा। तो सर मतलब किस तरह का प्राइज मनी कुछ रखा हुआ है विनर्स के लिए, कुछ बताना चाहेंगे? वो तो प्राइज मनी है, फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज है, ट्रॉफी है। फर्स्ट प्राइज समथिंग 20,000 है और सेकंड 10,000 है, और हर साल हम कभी ज़्यादा रखते हैं, ये ओरम नहीं है ना, तो हमेशा हम 50,000-25,000 ऐसा रखते हैं। तो ये जो बॉक्स टीम खेलने आ गया है इसके लिए हमने उसके हिसाब से प्राइजिंग लिस्ट भी बनाई है, लेकिन 100% आने वाले दिन में हमारा जो प्राइजिंग लिस्ट है वो हाई लेवल पे होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है जनता लेवल, ये जनता टूर्नामेंट को मैं इस हद तक लेके जाऊँगा कि ऐसा टूर्नामेंट कभी हमारे मुंबई में जैसे इलाके में नहीं होगा, मेरी कोशिश यही है। थैंक यू सर। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, दो लाइन आज के टूर्नामेंट को लेके, सर को लेके कुछ बेस्ट? थैंक यू। का सालगिरह भी है और टूर्नामेंट भी रखा गया है, बहुत सालों से इस टूर्नामेंट को आप चला रहे हैं, कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे सर के लिए? देखिए पहली बात तो शहीद दादा गारिया जी जिनका ट्रस्ट है जय माँ इटाइली चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके थ्रू यहाँ पे जो टीम जनता बॉयज अन्नू लाला और कुमार कुराडे भाई, ये पिछले साल भी रखे, कई सालों से क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ये जय माँ इटाली चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि उनको हिम्मत अफजाई, जो बच्चे कुछ करते हैं वो क्रिकेट खेले और कुछ अपने स्टेट लेवल में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ट्रस्ट उनको मदद करेगी। तो हमारे जितने भी है अंधेरी पश्चिम, ये जो विधानसभा है, ये खास मालोनी मलाड के अंदर ये बहुत अच्छी शख्सियत है और ये सेवा कर रहे हैं ट्रस्ट के नाम पर, लोगों को हर एक जो भी मदद है वो ट्रस्ट के हिसाब से वो कर रहे हैं। मैं सर की एक बात काटूंगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि इस ट्रस्ट से सरकार बहुत से हेल्प करती है, करोड़ों रुपये आता है फंड, वो लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने जेब से कितना करेंगे? आज सरकार से फंड आता है, वो फंड से हम लोग कई काम स्कीम कर सकते हैं। और अंधेरी पश्चिम इलाके की जितनी भी बहनें हमारे बेटे सब लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं, ये सब लास्ट ईयर भी इन लोगों ने जो प्रोग्राम है हज़ारों की तादाद में लोग आए, सुबह से लोग यहाँ पर आ ही रहे जा रहे, इतना अरेंजमेंट करना है कोई मामूली बात नहीं। तो मैं सबसे पहले अन्नू लाला और कुमार कुराडे भाई को बधाई देता हूँ, और आए हुए हमारे शोहित दादा गिरैया जी इनकी वाइफ, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनके आज जो सालगिरह पे प्रोग्राम रखा गया है, तो सबसे पहले उनको हम अभिनंदन, उनको मुबारकबाद देते हैं और सभी को मुबारकबाद देते हैं, और अंधेरी पश्चिम के जितने लोग उनको मुबारक देते हैं, और मीडिया वालों को भी मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग ये कवरेज कर रहे हैं सब लोग। मेरा कहने का मतलब यही है, ये जो बच्चे नशा करते हैं कुछ और काम करते हैं, उससे बेहतर ऐसे प्रोग्राम रख के बच्चों को यहाँ पे प्रोग्राम कराना चाहिए, क्रिकेट खिलाना चाहिए। तो उसके लिए जो शहीद दादा आगे आए उनका धन्यवाद, और आज सालगिरह पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ।
जिस तरह से समाज सेवा करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी इतना जागरूक थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज भी टूर्नामेंट रखा गया यहाँ पे, टूर्नामेंट मैच जो रखा हुआ है, शहीद दादा की आज सालगिरह है, शादी की सालगिरह है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत खुश नसीबी की बात है जो बच्चे लोग खिला रहे। ये तो आज एरिया में MD ड्रग्स इतना बिक रहा है, सब बच्चे की कौन, मतलब बच्चे खराब हो रहे हैं वहाँ पर। तो मेरा गवर्नमेंट से ये, पुलिस मतलब कमिश्नर साहब से ये बोलना है कि MD पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कौम नस्ल ख़त्म हो जा रही है, क्रिकेट के लायक भी नहीं रह रही, लेकिन शोई दादा ने क्रिकेट वाले बच्चों को अच्छा पकड़ के रखा है, इनको खेलना, यहाँ पर ग्राउंड देख लीजिए आप, एकदम गचागच भरा हुआ है। तो मेरा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब MD पे जो यहाँ पर ड्रग्स बिक रहे डोंगर जू गली पे, उस पर आप ध्यान दीजिए, ये रिक्वेस्ट है, जय माइट लाइट ट्रस्ट की तरफ से रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय माता दी। सर के क्या बोलते हैं, सालगिरह पे इतना बहुत कार्यक्रम किया गया, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? और दीदी की शादी की सालगिरह में मैच रखा गया है। मैच हर साल होता है, ये छठा सीजन है। हर साल ऐसे ही लोगों को मान सम्मान करते हैं हम ट्रस्ट के माध्यम से, लोगों का मतलब बढ़ाते भी हम कि लोग वही देख के, दादा का एक्टिविटी देख के, सर काम लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए अनाज बांटना, शॉल बांटना, धार्मिक चीज़ में भी काम करते रहते और हर साल आगे भी और मतलब करते रहेंगे। सब मिलके ट्रस्ट को और दादा को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे इस तक जागी रहे, हमेशा प्रोग्राम में आते ऐसे लोगों को बुला के मान सम्मान हम लोग करते हैं। सर आने वाले समय में क्या बस क्रिकेट को ही सपोर्ट करेंगे और भी जो स्पोर्ट्स है उनको भी आप करते रहेंगे? आने वाले समय में स्पोर्ट में हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, बराबर ड्राइंग का जो होता है, ये सब चीज़ करना भी है और किए भी है, दूध बांटना वगैरह हो गया बच्चे लोग के लिए, सब करते रहते हैं ट्रस्ट के माध्यम से। कुछ आप कुछ करने वाले आगे प्लान है आपका बता दीजिए? अभी आगे रमजान भी आ रहा है, रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम है, वो भी ट्रस्ट के थ्रू से मालूम है, हम लोग हर साल करते हैं, ये टाइम पे भी आगे करेंगे हम लोग। धन्यवाद सर, थैंक यू।